हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। मैं हूं आपका फ्रेंड जीएस राय। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी ने अभी सुना ही होगा कि हरियाणा सिविल सर्विसेज एचपीएससी एचसीएस के अंदर 2021 में नोटिफिकेशन आने वाला है और इसका एग्जाम भी बहुत जल्द कंडक्ट होने वाला है। तो अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये डाउट है कि सर इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सर इसका नया पैटर्न, क्योंकि 2021 के अंदर जो पैटर्न चेंज हो चुका है, जो पैटर्न 2018 और 19 के एग्जाम में था वो यहाँ पर चेंज हो गया, अभी वो पैटर्न नहीं है। तो जो लोग कैंडिडेट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनके माइंड में एक बहुत बड़ा डाउट है, कन्फ्यूजन है कि सर अभी नया जो है पैटर्न क्या है। चलिए मैं आज आपको वही उसका ऑफिशियल पैटर्न दिखा देता हूँ, क्या पैटर्न है, किस तरह से एग्जाम रहेगा, प्रीलिम्स मेंस और तीनों में तीनों का। चलिए आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर करवा दूंगा, वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। पेड स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज के लिए आप हमारा फोन नंबर है 9896160956 पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और चलिए मैं अभी आपको बता देता हूँ, आपका जो एग्जाम है वो तीन तीन स्टेज में रहेगा, थ्री स्टेज एग्जाम की। पहली यहां पर प्रीलिम्स, दूसरी मेंस, तीसरी यहां पर इंटरव्यू। यहां पर मैं एक चीज आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि एग्जैक्ट आपको मार्क्स नहीं मैं बता सकता अभी, लेकिन कुछ कुछ मैं मार्क्स यहां पर बता दूंगा। मार्क्स नहीं पता है, मार्क्स बढ़ या घट सकते हैं वो सभी के लिए रहेंगे, लेकिन जो पैटर्न है कि एग्जाम कितनी स्टेजेस में रहेगा और एग्जाम में कौन कौन से पेपर पूछ लिए जाएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। प्रीलिम्स में आपके दो पेपर होंगे, ध्यान रखना दो पेपर। मेंस के अंदर पांच पेपर हैं, जिसके अंदर की तीन कंपलसरी प्लस दो ऑप्शनल हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर दो ऑप्शनल कैसे, वो भी मैं आपका डाउट आगे क्लियर कर दूंगा कि ऑप्शनल दो है या एक है। इंटरव्यू, एक इंटरव्यू होगा आपका, सिर्फ और सिर्फ एक इंटरव्यू। अभी देखिए प्रीलिम्स के अंदर, प्रीलिम्स के अंदर दो पेपर है, पहला पेपर है जनरल स्टडीज का प्लस दूसरा पेपर है सी सेट का, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। ये सिर्फ और सिर्फ 33% मार्क्स लेने आपने, ये क्वालिफाइंग नेचर का है। ये इस बार के पैटर्न से, पिछली बार इसके मार्क्स ऐड हुए थे दोनों के, दोनों के मार्क्स जोड़ के यहाँ पर कट ऑफ बनाई गई थी, लेकिन इस बार जो 2021 का नया पैटर्न है इसमें आपको क्या करना है, सी सेट में सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। जैसे कि मान लीजिए सी सेट का पेपर 200 नंबर का होगा तो आपको सिर्फ 33% नियर अबाउट 67 मार्क्स यहाँ पर लेने हैं। अगर आपके 67 मार्क्स आ जाएंगे तो सी सेट के बाद आपका जो जनरल स्टडीज का पेपर चेक हो जाएगा। जनरल स्टडीज का पेपर भी 200 नंबर का रहेगा, 200 नंबर में से आपको जितने भी कट ऑफ नियर अबाउट 105 से ऊपर ही जाएगी कट ऑफ, तो 105 से ऊपर जितने भी आप नंबर ले सकें वो आपके लिए उतने ही बेहतर रहेंगे। अगर आप जितने ज्यादा मार्क्स गेन करेंगे उतने ज्यादा आपके चांसेस रहेंगे कि आप यहां पर मेंस लिख सकें। और ये बिल्कुल यूपीएससी का पैटर्न है, हरियाणा सिविल सर्विसेज एचपीएससी ने भी कहा था कि जो यूपीएससी का पैटर्न है उसी के हिसाब से एचपीएससी अपने एग्जाम्स कंडक्ट करेगा, लेकिन प्रीलिम्स में तो इन्होंने बिल्कुल कॉपी कर लिया। मेंस के अंदर क्या है मैं आपको इस वेबसाइट पर भी ले चलूंगा, और वेबसाइट पर भी चल के आपको सारी चीजें दिखाऊंगा। यहाँ पर मैं वेबसाइट पर, ये हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की एचपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर सारी चीजें आपको दिखाता हूँ मैं, थोड़ा सा एक बार वो सुन लीजिए। उसके बाद यहाँ पर मेंस के अंदर, मेंस की बात करते हैं, मेंस के अंदर तीन पेपर रहेंगे, पहले तीन कंपलसरी में, ये तो तीन कंपलसरी है मतलब सभी को ये पेपर देने पड़ेंगे। इसके अंदर तीन कौन कौन से हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड पेपर। पहला पेपर यहाँ पर होगा इंग्लिश का, इंग्लिश के अंदर ऐसे भी लिखना होगा और इंग्लिश आपको ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, क्वालिफाई करना है ये। दूसरा होगा यहाँ पर हिंदी का, दूसरा पेपर होगा हिंदी का, हिंदी का भी सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करना है, इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। तीसरा पेपर है जनरल स्टडीज का, अब जीएस का पेपर है, इसके मार्क्स यहाँ पर आपके जितने मार्क्स आप जीएस में गेन करोगे उतना ही आपके लिए आसान रहेगा कि आप इंटरव्यू के लिए, आपको इंटरव्यू कॉल आ रहा है या नहीं आ रहा। तो यहाँ पर जीएस का एक ही पेपर है, लेकिन जब नोटिफिकेशन आएगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, उसमें ये बढ़ा सकते हैं, जीएस के चार पेपर भी कर सकते हैं, जैसे हिस्ट्री का एक पेपर हो जाएगा, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी, ऐसा ये कर सकते हैं अगर करना चाहे तो। अभी तक हरियाणा सिविल सर्विसेज का जो है, जिस तरह से इन्होंने भी बताई है सारी बातें, सिर्फ और सिर्फ जीएस का एक पेपर है, इसके बाद ये दो ऑप्शनल पेपर हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सुना होगा कि सर जो ऑप्शनल के पेपर हैं, ऑप्शनल पेपर है वो तो यहाँ पर क्या हो गया, एक ऑप्शनल हो गया। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शनल पेपर दो होंगे मेरे फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिए बात को आप, ऑप्शनल के पेपर दो होंगे, मतलब एक पेपर वन ये भी सेम सब्जेक्ट का होगा और दूसरा पेपर ये भी सेम सब्जेक्ट का होगा। पिछले पुराने पैटर्न में क्या था, जो पैटर्न अगर आप बात करें हम 2020 से पहले का जो पैटर्न था, उसमें आपको दो ऑप्शनल चूज करने पड़ते थे। मान लीजिए एक ऑप्शनल सोशियोलॉजी हो गया, दूसरा ऑप्शनल शायद आपका हिस्ट्री हो सकता था, आपको हिस्ट्री चूज करना पड़े, लेकिन अभी ये नहीं, अभी आपको सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शनल ही चूज करना है। एक ऑप्शनल चूज करके दो पेपर होंगे, मान लीजिए आपने ऑप्शनल चूज किया जियोग्राफी, तो जियोग्राफी चूज करोगे तो जियोग्राफी के दो पेपर होंगे, पहला पेपर जिसमें कि आपकी इंडियन जियोग्राफी होगी, दूसरा पेपर जिसमें आपकी वर्ल्ड की जियोग्राफी होगी। तो इस तरह से भी आपके पेपर तो दो ही रहेंगे, तो
तो स्टूडेंट्स के माइंड में ये कन्फ्यूजन रहता है कि सर किस तरह से होगा पेपर। अभी इसके मार्क्स में आपको यहाँ पर नहीं बता पाऊंगा कि ये कितने मार्क्स का पेपर होगा, ये कितने मार्क्स का पेपर होगा, तो ये मैं आपके यहाँ पर अच्छे से नहीं बता सकता। इंटरव्यू के बारे में, इंटरव्यू आपका एक होगा, जितने भी मार्क्स का होगा सभी के लिए बराबर होगा। अभी चलते हैं हमारी हम ऑफिशियल वेबसाइट पर कि ऑफिशियल वेबसाइट पर क्या क्या चीजें दिखा रखी हैं। एक बार मैं इन सब चीजों को रब कर देता हूँ ताकि आपको सारी आगे चीजें समझने में परेशानी ना हो, आप सारी चीजें अच्छे से देख पाए। आई थिंक यहां तक जितनी भी मैंने जानकारी दी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि प्रीलिम्स, प्रीलिम्स में आपके दो पेपर हैं, सी जनरल स्टडीज और सी सेट का। उसमें आपको जनरल स्टडीज के अंदर ज्यादा जोर लगाना है, बहुत अच्छे से जनरल स्टडीज पढ़ के जानी है। जिसके अंदर अगर किसी को जनरल स्टडीज में थोड़ा डाउट है तो वो मैं लास्ट में बता दूंगा कि जनरल स्टडीज में ज्यादा फोकस किस पे करें, कि एचसीएस में क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं। चलिए अभी हम चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। यह हमारी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पर ये देख लीजिए एचसीएस सीए मेंस का। ये देखिए हरियाणा सिविल सर्विसेज 3 स्टेजेस में एग्जाम होता है, जिसके अंदर एचसीएस मेंस एग्जाम नंबर ऑफ पेपर 5 है, टोटल 600 मार्क्स दे रखे हैं। ये मार्क्स बढ़ घट सकते हैं, बढ़ा घटा सकते हैं, जिसके अंदर की 3 तो आपको यहाँ पर क्या है, 3 कंपलसरी पेपर हैं, 2 आपके ऑप्शनल पेपर रहेंगे। पर्सनैलिटी टेस्ट 75 मार्क्स का दे रखा है और इसके अंदर आपको ये देखिए एज पर न्यू रूल्स द सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट पेपर विल बी क्वालिफाइंग ओनली फॉर नाउ ऑनवर्ड एंड द कैंडिडेट नीड टू सिक्योर 33% मार्क्स ओनली टू क्वालिफाई इन दिस पेपर। तो जो आपका प्रीलिम्स का पेपर है, प्रीलिम्स मैंने आपको पहले बताया, प्रीलिम्स में दो पेपर होंगे, जीएस में आपको अच्छे मार्क्स गेन करने हैं और सी सेट आपका सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है। ये देखिए एचपीएससी एचसीएसई एग्जाम्स 2020 मेंस का पैटर्न देख लीजिए, पहले 3 पेपर हैं कंपलसरी होंगे नेचर में, जो पेपर चौथा और पांचवा है वो ऑप्शनल पेपर है, सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शनल आपको चूज करना है जिसमें से आपके 2 पेपर होंगे, पेपर 1 पेपर 2। हर एक पेपर के लिए आपको 3 घंटे मिलेंगे पेपर लिखने के लिए, ये आपका लिखना पड़ेगा और इंटरव्यू आपका 75 मार्क्स का होगा। अब स्टूडेंट्स के माइंड में एक और डाउट रहता है कि सर मैं पेपर जो आंसर है वो हिंदी में लिखूं या इंग्लिश में। तो जब आप फॉर्म भरोगे, जैसे आपको पता होगा अगर आपने कभी टेस्ट दिया हो, पहले प्रीलिम्स के लिए फॉर्म अप्लाई किए जाते हैं, जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हो उसके बाद मेंस के फॉर्म अप्लाई किए जाते हैं। जब आप मेंस का फॉर्म अप्लाई करते हो उस टाइम आपसे पूछा जाता है कि आप हिंदी में आंसर लिखना चाहते हैं या फिर आप इंग्लिश में आंसर लिखना चाहते हैं। आप हिंदी, इंग्लिश और 22 लैंग्वेजेस जो हमारे शेड्यूल में दे रखे हैं उसमें से आप किसी भी लैंग्वेज में आंसर लिख सकते हो। जनरली लोग हरियाणा के अंदर हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही लिखते हैं, कुछ लोग हिंदी में लिखते हैं आंसर, कुछ लोग इंग्लिश में लिखते हैं। अब स्टूडेंट्स के माइंड में रहता है कि सर इंग्लिश वाले ज्यादा क्यों क्लियर होते हैं, हिंदी वाले कम क्यों क्लियर होते हैं। तो इसका आंसर मैंने बहुत बार दिया हुआ है कि हिंदी में जब स्टूडेंट्स कम अपीयर हो रहे हैं तो कम ही आंसर, कम ही रिजल्ट आएगा, इंग्लिश में स्टूडेंट्स ज्यादा अपीयर हो रहे हैं, अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज होंगे तो फिर आप समझ सकते हो। हिंदी में 100 लोगों ने पेपर दिया, यहाँ पर 20 क्वालिफाई कर गए, हिंदी में यहाँ पर 30 बच्चों ने पेपर दिया तो यहाँ पर कितने, 5 बच्चे क्वालिफाई कर गए। तो आप देख सकते हो रेशो, आप इसका हिसाब लगा सकते हो। अब कम बच्चे देंगे तो कम क्वालिफाई करेंगे, ज्यादा बच्चे देंगे तो ज्यादा क्वालिफाई करेंगे। तो वो आप अपनी लैंग्वेज चूज कर सकते हो, लेकिन प्रीलिम्स में ऐसा कोई भी परेशानी नहीं है आपको। प्रीलिम्स के अंदर, प्रीलिम्स में आपको क्या करना है, जनरल स्टडीज की प्रिपरेशन करनी है, सी सेट की प्रिपरेशन करनी है। एक साइड आपको हिंदी लिखा मिलेगा, दूसरी साइड आपको इंग्लिश लिखी मिलेगी, तो आपको एक क्वेश्चन दोनों ही लैंग्वेजेस में मिलेगा। तो आप हिंदी में तैयारी कर सकते हो प्रीलिम्स की, इंग्लिश में भी कर सकते हो, जैसा आपको सही लगे। लेकिन मेंस के अंदर आपको जब आंसर लिखना है तब परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए शुरू से अपनी लैंग्वेज को चूज करो कि मुझे किस मीडियम में पेपर देना है, तो उसी मीडियम में आप अपनी प्रिपरेशन को जारी रखें। जनरल स्टडीज के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक्स हैं वो मैंने इसके लिए वीडियोस अलग से बना रखी हैं, मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड करवा दूंगा। जिसको चाहिए कि सर मुझे वीडियोस नहीं मिल रही, तो इस नंबर पर 9896 60956 पर आप व्हाट्सएप करके वीडियोस पूछ सकते हो कि सर कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज मुझे वो वीडियो शेयर कर दीजिए, प्लीज मुझे वो टॉपिक की लिस्ट शेयर कर दीजिए, मैं सारी चीजें आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके स्टडी मटेरियल ले सकते हैं, टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी हरियाणा सिविल सर्विसेज 2021 के लिए। तो कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, नीचे कमेंट कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, आपका दिन शुभ रहे।